हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं रोहित आरब जूनियर जी बैच में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आपको पता है कि हमारा जो जूनियर जी बैच है वो इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर के लिए हमने स्टार्ट किया है। मात्र 1000 रुपये में सिर्फ नाम मात्र फीस पर आपको हम इतनी बढ़िया क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे बच्चों कि आप जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको यूट्यूब के किसी भी चैनल पर उतनी अच्छी क्लासेस कभी नहीं मिल सकती, ये मैं रोहित आरब आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। और ना तो ये क्लासेस आपके सिर्फ फोर्थ सेमेस्टर में काम आएंगी, बल्कि आपके उस सेमेस्टर में आपके जा करके जब आपके सारे सेमेस्टर ख़त्म हो जाएंगे, आप जाकर डिप्लोमा की तैयारी करोगे, सॉरी जेई बनने के लिए तैयारी करोगे, तब मैं आपको 100% लिख के दूंगा ये वाली बात कि इससे अलग आपको कोई कुछ नहीं पढ़ाएगा जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँगा। तो समझ लीजिए कि आप उस लेवल की तैयारी अभी करके चलोगे। तो जल्दी से जल्दी अपने इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए जिसकी नाम मात्र फीस है 1000 रुपीज़। 7 के 7 सब्जेक्ट, 7 के 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। और यदि आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्लास लेना चाहते हो तो मात्र 200 रुपये में उस सब्जेक्ट का क्लास लेते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आज हम लोग एक सब्जेक्ट का आपको मैं सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ जिसका नाम है TDEP, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। क्या नाम है भैया उस सब्जेक्ट का? नाम है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। हिंदी में इसको कहते हैं विद्युत शक्ति का संचरण व वितरण। संचरण मतलब होता है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण। तो विद्युत शक्ति का वितरण और संचरण, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। बेसिकली जब हम लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं पावर प्लांट पर, तो उसको हमारे घर तक पहुंचाने में 2 प्रोसेस लगते हैं। एक तो लगता है ट्रांसमिशन का, जिसमें कि हम लोग ट्रांसमिशन के थ्रू, टावर्स के थ्रू या फिर बड़े बड़े पोल्स के थ्रू, बड़े बड़े टावर्स के थ्रू 4 लाख वोल्ट की लाइन, 1,32,000 वोल्ट की लाइन, 66,000 वोल्ट की लाइन ला करके टावर्स के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। फिर वो बिजली घर तक आती है, फिर बिजली घर से हमारे घरों तक 11 kV की लाइन, 440 वोल्ट की लाइन या फिर 230 वोल्ट की लाइन जा करके हमारे घर में कनेक्शन मिलते हैं। तो बस इस पूरे सब्जेक्ट में आपको इसी पूरे प्रोसेस को स्टडी कराया जाएगा कि वहाँ से ट्रांसमिशन लाइन में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या लॉसेस होते हैं, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी कराया जाता है इस सब्जेक्ट में। तो भैया BTE UP बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश ने आपके इस सब्जेक्ट में 5 चैप्टर बनाए हैं। कितने चैप्टर बनाए हैं? 5 चैप्टर्स बनाए हैं, जिसमें से सबसे पहले चैप्टर का नाम आपका है भैया ट्रांसमिशन सिस्टम। बिल्कुल नाम ही यही है, बुक का नाम भी यही है और पहले चैप्टर का नाम भी उन्होंने यही रख दिया है, ट्रांसमिशन सिस्टम। क्या नाम रख दिया है पहले चैप्टर का? पहले चैप्टर का नाम रख दिया है उन्होंने ट्रांसमिशन सिस्टम। तो बेसिकली इस ट्रांसमिशन सिस्टम में हम लोग सीखेंगे क्या? हम लोग अपने इस ट्रांसमिशन सिस्टम में लेआउट सीखेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम का, सिलेक्शन सीखेंगे वोल्टेज का, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, एडवांटेज सीखेंगे कि हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन में फ़ायदा है या लो वोल्टेज पर ट्रांसमिशन में फ़ायदा है। फिर हम लोग सीखेंगे कि जो हमारी सप्लाई एसी रहती हैं और डीसी रहती हैं, तो हमको एसी सप्लाई को ट्रांसमिट करना चाहिए या फिर डीसी सप्लाई को ट्रांसमिट करना चाहिए, मतलब कि एसी ट्रांसमिशन होना चाहिए हमारा या फिर डीसी ट्रांसमिशन होना चाहिए। अगर एसी ट्रांसमिशन होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए और डीसी ट्रांसमिशन होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, मतलब के एसी ट्रांसमिशन और डीसी ट्रांसमिशन के दोनों के अलग अलग फ़ायदे और नुकसान के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। ट्रांसमिशन लाइंस में होने वाले लॉसेस के बारे में स्टडी करेंगे, ट्रांसमिशन लाइंस के कंस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, ट्रांसमिशन लाइंस में क्या क्या एसेसरीज लगती हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, कोरोना लॉसेस होते हैं, करंट लीकेज लॉसेस होते हैं, मैकेनिकल लॉसेस हो सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। उसके बाद दूसरा चैप्टर रहता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कौन सा रहता है? दूसरा रहता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इस पहले अकेले चैप्टर को स्टडी करने के लिए बोर्ड ने 28 पीरियड का समय निर्धारित किया है। तो सोचो कितना बड़ा होगा सर। तो दूसरा चैप्टर है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
तो डिस्ट्रीब्यूशन, जब सप्लाई हमारे बिजली घर पे आ जाती है तो हम किस प्रकार से उसको अलग अलग HT और LT की फॉर्म में आगे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप 11 KV में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर 440 वोल्ट में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इन सारे के सारे लाइंस कंस्ट्रक्शंस के बारे में, इनमें लगने वाले वायर्स के टेस्ट के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, न्यूट्रल के बारे में, हर चीज़ के बारे में स्टडी कराया जाता है आपका चैप्टर नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। चैप्टर नंबर 3 का नाम है भैया सब स्टेशंस। और मैं आपको इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस बता दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी लोग इस 4th सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने जाओगे, तो जो आप 4th सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करोगे उसमें 90% पोर्शन TDEP से होता है। आप कहीं भी चले जाओ ट्रेनिंग करने, आपको सारी की सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ TDEP से ही मिल जाती हैं। TDEP का ही उसमें 90% सेक्शन रहता है आपका। आप जहां मर्जी वहां ट्रेनिंग करने चले जाओ, आपका ज़्यादातर सेक्शन सिर्फ और सिर्फ TDEP से ही मिलेगा। ठीक, तो सब स्टेशन में बेसिकली, सब स्टेशन जिसको दूसरी भाषा में, आम भाषा में बिजली घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सब स्टेशन को आम भाषा में बिजली घर भी कहते हैं। तो बेसिकली बिजली घर या सब स्टेशन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कुछ लाइंस, ट्रांसमिशन लाइन आती हैं, और ट्रांसमिशन लाइन वहाँ आने के बाद वहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस पास की जाती हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस जो होती हैं वो आगे जाती हैं फिर अलग अलग सेक्शंस में। बेसिकली सब स्टेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके ट्रांसमिशन सब स्टेशन और एक होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। इन दोनों के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। एक होते हैं आपके ट्रांसमिशन सब स्टेशन और एक होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशंस। तो जो आपके ट्रांसमिशन सब स्टेशन होते हैं वो बेसिकली ट्रांसमिशन लाइंस में यूज़ किए जाते हैं, जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होते हैं वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सब स्टेशन तो बस नॉर्मल सी बात है, ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, एक एंड पर सप्लाई आएगी, दूसरे एंड पर सप्लाई वहाँ से पास कर दी जाएगी। तो बेसिकली बस सीखेंगे इसमें ये कि जो सब स्टेशन के प्रकार होते हैं, आउटडोर सब स्टेशन होते हैं, इनडोर सब स्टेशन होते हैं, मतलब आउटडोर का मतलब ऐसे ही खुले मैदान में लगा देना, और इनडोर का मतलब उन सब स्टेशन को प्रॉपरली एक बिल्डिंग के अंदर सारे के सारे इक्विपमेंट लगाना, वो आपके इनडोर सब स्टेशन के अंतर्गत आएगा, और ऐसे कहीं भी लगा देना वो आपका आउटडोर सब स्टेशन के अंतर्गत आएगा। तो बच्चों चैप्टर नंबर 3 हमारा हो गया। चैप्टर नंबर 4 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कराना चाहूँगा कि आपका इलेक्ट्रिकल 4th सेमेस्टर का जूनियर जी बैच स्टार्ट चल रहा है हमारा। अगर आप में से किसी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए TDEP पावर प्लांट इंजीनियरिंग या फिर EEE फर्स्ट एनर्जी कंजर्वेशन, ये सब्जेक्ट कुछ ऐसे हैं भैया कि इनका जड़ हैं आपके। अगर इन सब्जेक्ट को आपने डीप नहीं पढ़ा तो आपके JEE बनने के ऊपर शंका उठ जाती है, गारंटेड। आप मुझसे मत पूछो, जो आपके सीनियर हैं, जो आपके जानने वाले हैं, अगर कोई JEE है, आपके भाई बहन बड़े दोस्त हैं, उनसे पूछ लो, वो आपको बता देंगे कि यदि आपने इन सब्जेक्ट का डिटेल स्टडी नहीं किया तो आपका JEE बनना असमंजस में पड़ जाता है। JEE बनने के लिए आपको इन सब्जेक्ट का डीप और डिटेल स्टडी करना पड़ता है, बहुत 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 ज़्यादा डीप स्टडी करना पड़ता है बच्चों। तो इसीलिए आपको ये बैच ज्वाइन करना चाहिए, पूरा बैच मात्र 1000 रुपये में प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं। और अगर आप कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेना चाहो तो भी आप ले लो मात्र 200 रुपये में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 4 की तरफ आते हैं अपने। चैप्टर नंबर 4 का नाम है बच्चों हमारे पावर फैक्टर, हिंदी में इसको कहते हैं शक्ति गुणक। शक्ति गुणांक कह दो, शक्ति गुणक कह दो, कुछ भी कह दो आप। तो बेसिकली पावर फैक्टर हमारा, हमने इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम यानी कि जनरेशन में भी सीखा है, तो पावर फैक्टर मतलब एक ऐसी चीज़ रहती है जो कि किसी भी मशीन की परफॉर्मेंस को दर्शाती है। मतलब कि पावर फैक्टर जितना अच्छा रहेगा, समझ लो कि हमारी मशीन की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि पावर फैक्टर बेसिकली दी जाने वाली पावर और उससे निकलने वाले आउटपुट का एक अनुपात ही होता है, मतलब अपेरेंट पावर
और एक्टिव पावर, एपरेंट पावर और एक्टिव पावर का रेशियो ही तो होता है पावर फैक्टर। इसको हम लोग पावर फैक्टर को बेसिकली कोस फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? पावर फैक्टर को हम मुख्य रूप से कोस फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा आप लोग। तो इस चैप्टर में हम लोग जिसका नाम है पावर फैक्टर, क्या क्या स्टडी करने वाले हैं? इसमें हम लोग स्टडी करेंगे अपने पावर फैक्टर का कॉन्सेप्ट कि कैसे कैसे पावर फैक्टर की डेफिनेशन चार पांच अलग है, लो पावर फैक्टर और उसके नुकसान क्या हैं। मतलब कि किसी मशीन का लो पावर फैक्टर होने के पीछे के कारण क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं, मतलब रीजंस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लो पावर फैक्टर। और दूसरी बात कि हम किसी पावर फैक्टर में किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है कि मशीन का जितना अच्छा पावर फैक्टर रहेगा वो हमारे उतने ही काम किए। तो बस आपको इस चैप्टर में सिखाया ये जाएगा कि आप किसी मशीन के पावर फैक्टर में, किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के पावर फैक्टर में किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। आपको ये चीज़ सिखाई जाएगी बेसिकली आपके इस चैप्टर नंबर 4 पावर फैक्टर वाले में। चलिए पढ़ते हैं आगे चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा वो है बच्चों रिवेन्यू एंड एनर्जी लॉसेस का। क्या है? रिवेन्यू एंड एनर्जी लॉस। तो ये आपका TDEP का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर का आखिरी चैप्टर है। इसमें बेसिकली हम लोग अपने इस सारे प्रोसेस में, ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, सब स्टेशन में, सारे के सारे प्रोसेस में होने वाले लॉसेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें बेसिकली लॉसेस होते कौन कौन से हैं? इसमें हमारे टेक्निकल लॉसेस हो सकते हैं। कौन से? टेक्निकल लॉस, या फिर आपके टेक्निकल लॉसेस हो सकते हैं, कमर्शियल लॉसेस हो सकते हैं। टेक्निकल लॉसेस मतलब टेक्निकल के कारण कमर्शियल लॉसेस हो सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे प्रकार के लॉसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं उनके सबके नाम बता देता हूँ, उनकी कैलकुलेशन सीखेंगे हम लोग। बिलिंग एफिशिएंसी, मतलब किस प्रकार से बिलिंग एफिशिएंसी होती है, टोटल परसेंटेज क्या रहता है जो पावर हमने जनरेट की और जो पावर हमारी पहुंची है। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें डिफरेंट प्रकार के लॉसेस के बारे में सीखते हैं और वो हमारा चैप्टर नंबर 5 है। काफ़ी बढ़िया चैप्टर है, काफ़ी उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आएगा इस पूरी किताब को पढ़ने में। तो यदि आप अपने इस जूनियर जी बैच को ज्वाइन करते हो या फिर आप इस TDEP सब्जेक्ट की स्पेशल क्लास लेते हो तो मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि आप पछताओगे नहीं, क्योंकि मैं आपको इतना ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि मैं आपको कितना ज़्यादा, कितना बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। ओके गाइस, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली क्लास में, क्योंकि हमारा TDEP का सिलेबस यहीं पर ख़त्म हो गया है। बस उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी और आप बैच लेने के लिए उत्साहित होंगे। तो जल्दी से जिसने भी अभी तक बैच नहीं खरीदा है वो जल्दी से आओ इस नंबर पर मेरे 8958617732 पर मैसेज करिए अभी तुरंत। आपको मैं, आप मुझे फ़ीस पे करेंगे और मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहां पर आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। लाइव क्लासेस मिलेंगी और जितनी क्लासेस हो गई हैं वो भी आपको सारी की सारी मिल जाएंगी। ओके गाइस, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। गाइस क्लास को लाइक करके जाना, अगर क्लास पसंद आई है तो आपको अच्छा लगा है पढ़ाने का तरीका तो ज़रूर लाइक करके जाना। दूसरे लोगों से भी बताइए कि रोहित सर पढ़ाते हैं एक यूट्यूब पर, उनसे आप पढ़िए, आप 100% बहुत अच्छा बहुत कुछ सीखेंगे। और साथ ही साथ अगर आप नए हो बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाना, जिससे आपको ऐसी ऐसी वीडियोज़ हमारी और मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, जल्दी से बैच को ज्वाइन कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और बाकी लोगों को भी बताइए बैच को ज्वाइन करने के लिए प्रेरित कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही अगली क्लास में। धन्यवाद।